अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके का एक कॉकरोच के इफेक्ट वाला एक रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ये पहले भी एक बार ट्रेंड में आ चुका था, लेकिन अभी फिर से ये रील जो है ये ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरीके का ये कॉकरोच वाला इफेक्ट कैसे लाना है और इस तरीके से इफेक्ट ऐड करके ये वीडियो या रील कैसे बनाना है, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे इस तरीके के रील बनाने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इस तरीके का रील बनाने के लिए सबसे फर्स्ट जो मेथड है उसमें आपको क्या करना है, आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल में दिखेगा। आपको इसे राइट हैंड साइड पे आपका जो स्क्रीन है उसे स्वाइप करना है। यहाँ पे आपके आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हो सर्कल में आपको बहुत सारे इफेक्ट दिख रहे होंगे। सारे इफेक्ट को आपको लेफ्ट हैंड साइड पे स्वाइप करना है। लास्ट में आपको एक ब्राउज इफेक्ट वाला एक ऑप्शन दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद राइट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर में आपको एक सर्च का आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है कॉकरोच स्पेस केकोआ, तो आप इसका स्पेलिंग देख लो कॉकरोच का, और उसके बाद केकोआ का स्पेलिंग KECOA। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च कर देना है। ये आप टाइप करके सर्च करोगे तो यहाँ पे एक इफेक्ट आ जाएगा। तो ये वाले इफेक्ट को आपको यूज़ करना है। इसे यूज़ करने के लिए सिंपली इसके ऊपर आपको टैप करना है। ये वाला इफेक्ट ही आपको यूज़ करना है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इसे टैप करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो नीचे आपको एक डाउनलोड एरो का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है। उसके ऊपर टैप करोगे तो वहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा और सेव टू कैमरा इस स्क्रीन पे लिख के आएगा। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको एक होम का एक आइकॉन दिखेगा, उसमें आके आपको रुक जाना है। उसके नीचे बराबर आपको स्टोरी करके लिखा हुआ दिखेगा। उस स्टोरी के राइट हैंड साइड पे आपको एक रील्स दिखेगा और रील्स को आपको सेंटर में लेके आना है। इसके बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। उसमें का जो ऊपर से जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है स्टार जैसे आइकॉन है उसका इफेक्ट का, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ट्रेंडिंग रील्स करके। तो स्टार्टिंग में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च का, उसके बाजू में आपको सेव्ड का एक आइकॉन दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको एक इफेक्ट दिखेगा, ये वही इफेक्ट रहेगा जो आपने अभी सेव किया हुआ था। तो जो सेव किया इफेक्ट था वो यहाँ पे फर्स्ट दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको टैप करके उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कैमरा का स्क्रीन ऊपर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो लोड हो चुका है। तो इसके इस इफेक्ट से आपको रील बनाने के लिए नीचे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जिसपे कॉकरोच का एक सिंबल या फोटो दिख रहा है, तो उसके ऊपर आपको टैप करके रखना है। उसके ऊपर आप जैसे ही टैप करके रखोगे तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा जैसे इस तरीके से। तो आपको थोड़ी देर रुकना है। यहाँ पे ये कॉकरोच का इफेक्ट आपके स्क्रीन पे अपने आप मतलब फेस पे अपने आप अप्लाई हो जाता है जैसे अभी आप देख सकते हो। इसके बाद जितना आपको वीडियो बनाना है उतना बनाना है, उसके बाद आपको उसे रिलीज़ कर देना है। रिलीज़ करने के बाद वीडियो वहाँ पे उतना मतलब एंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो जो वीडियो आपने बनाया हुआ था वो इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद नीचे आपको फिर से एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे नीचे, तो नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा और आपका वीडियो यहाँ पे पोस्ट करने का यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कवर पे टैप करके कोई भी कवर सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे ऐड फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन में जाके गैलरी में से कोई भी स्पेसिफिक फोटो सिलेक्ट करके उसे कवर रख सकते हो। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे ऊपर एक डन का ऑप्शन दिखेगा, तो डन के ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है। डन के ऑप्शन के ऊपर टैप करोगे तो वहाँ पे मतलब कुछ कैप्शन वगैरह ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो कैप्शन वगैरह कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो शेयर के ऑप्शन पे आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे ये वीडियो एज अ रील आपका आपके इंस्टाग्राम के फीड पे पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेकेंड मेथड के लिए सबसे पहले आपके पास स्नैपचैट एप्लीकेशन होना जरूरी है। स्नैपचैट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ साइनअप या कुछ होगा वो साइनअप करके लॉगिन आपको कर देना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का कैमरा आपके मोबाइल को ओपन हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हो सेंटर में एक बड़ा सा सर्कल है। सर्कल के राइट हैंड साइड पर आपको एक छोटा सा एक इमोजी का एक सर्कल दिख रहा होगा फेस, उसके ऊपर टैप करें। इसके बाद स्क्रीन के एकदम राइट हैंड साइड पर कॉर्नर पर नीचे एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे सर्च का बार आ जाएगा। सर्च के बार में आके आपको सिंपली कॉकरोच ऐसे टाइप करना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कॉकरोच के नाम से बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इफेक्ट है जिसके ऊपर मैं अभी पॉइंटर मूव करूंगा या मूव कर रहा हूँ वो वाला इफेक्ट आपको यूज करना है। ये आपके यहाँ पे सेकेंड या थर्ड नंबर पर भी आ सकते हैं, तो आप वो जो फोटो है उसे याद रख ले। तो ये इफेक्ट आपको यूज़ करना है। इसे यूज़ करने के लिए सिंपली उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद इफेक्ट लोड होगा। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कॉकरोच मेरे फेस पे दिख रहा है, तो ये
थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट है कंपेयर टू वो इंस्टाग्राम के इफेक्ट से। तो इस इफेक्ट का यूज़ करके आपको वीडियो बनाना था, नीचे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे कॉकरोच आ जाएगा, मतलब वो इफेक्ट अपना काम करना शुरू कर देगा। तो जितना आपको वीडियो बनाना है उतना टैप करना है, अगर वीडियो को एंड करना है तो टैप रिलीज कर देना है, टैप जो किया था उसे रिलीज कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये वीडियो रेडी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, साउंड, सेव और स्टोरी का। उसमें का जो बीच वाला ऑप्शन है सेव का, उसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो वहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा और वो जो ये जो वीडियो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इसके बाद आपको ये एप्लीकेशन बंद करना है और गैलरी में जाके ये जो आपने ये जो वीडियो बनाता है वहाँ पे सेव होगा, तो वो वीडियो को आपको इंस्टाग्राम पे एज अ रील अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से ये जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।